हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगी, बस मैं बताऊँगी मेरे बच्चे बहुत पानी की बर्बादी करते हैं, बहुत ज़्यादा। नहीं करते गाइस, नहीं करते। अच्छा, करते नहीं हो? चाहे ब्रश करने से लेकर नहाने तक हो, या पानी भरने तक हो, या प्लांट से पानी देना हो, या बोतल भरनी हो, तो उन्हें लगता है कि हमारे यहाँ पे 24 घंटे पानी आता है। अगर मैं पूछूंगी रिया से, रिया आप पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो वो कहेगी अरे मम्मा 24 घंटे पानी आता है। तो फिर आज मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे उन लोगों को सबक सिखाया बच्चों को कि पानी का कम यूज करें। जिन्नी बहुत पानी वेस्ट करते हो ना आप? कहाँ करती। हाँ, अभी मैं देखूंगी ना, मैं आपके 2-3 क्लिप्स नोट किए हैं, उसमें बताऊंगी मैं आप किस तरह की। अरे कैन आता है ना, कैसे मल लेते सब कुछ है ना। कैन के पैसे भी तो देने पड़ते हैं। मैं पिग्गी बैग है ना, उसे दे देता हूँ। कहाँ है आपके पास पिग्गी बैग? उधर आपके अलमारी में, जैसा लगा नील फ्रॉक वाले। पिग्गी बैंक से पैसे तुम्हें निकाल के? हाँ, देख रहे हो कितना जवाब देती है ये। तो फिर देख, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लोग क्या क्या हरकतें करते हैं। आपने ब्रश किया? जाओ जल्दी ब्रश करके आओ। जल्दी ब्रश करके आओ, जाओ। सब इसमें ब्रश करते हैं ना, ब्रश करके आओ जाओ। चल चलिए, ब्रश करने जाओ। रिया मेरे लिए पानी ले आओगे? मुझे ठंडा पानी चाहिए। ठंडा पानी? हाँ, नॉट मिक्स नहीं चाहिए, ठंडा ठंडा। और मैंने रिया से पानी मांगा है, जरा देखते हैं रिया कैसा पानी लाती है। पीछे चलते हैं उसके, देखते हैं। क्या क्या है मम्मा? मैं तो ठंडा पानी मांगा था। मैंने गलती से ये कर दिया। अरे तो फैलाओ तो नहीं, फैलाओ तो नहीं। तो फिर क्या करती मैं? सॉरी। सॉरी क्या? मैंने अगर ठंडा पानी मांगा तो आपने पानी फैलाया क्यों? अगर आपने गलती से ही पानी दे दिया तो मैंने सिखा। इधर आओ, इधर आओ। अगर गलती से आपने पानी कर दिया तो आपको क्या करना चाहिए था? पी लेना चाहिए था। हाँ, पी लेना चाहिए था। पी लेना चाहिए था। और क्या करना चाहिए था? हमारे पास कितने प्लांट्स हैं? 40 प्लांट्स। 30-40 होंगे। तो मैंने बोला था ना पानी वेस्ट करने की बजाय प्लांट्स में डाल दो। बेटा कितने पानी की वेस्टेज करते हो आप? बेटा कितना कम पानी है आता है, वो खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? बिना पानी के रह लोगे? मर जाएंगे हम बिना पानी के। हैं? बिना पानी के हम मर जाएंगे। अभी आपको पता नहीं लग रहा है पानी की वैल्यू क्या है ना? तो हम डाल दिए तो हर रोज आते हैं कैंस हमारे घर, तो मतलब क्या उसमें? और 10-10 रुपए का एक कैन आता है। 10 रुपए का आता है एक कैन? 50 रुपीज का एक कैन है। और चाहे 10 रुपए का भी अगर वैल्यू बोले, पैसे की वैल्यू नहीं है। कितना पैसा है? वाह बेटा वाह। इसका मतलब है कि इसको वेस्ट करो। वेस्ट नहीं, मतलब कैन हर रोज आते तो चिंता क्या? देखो टैंक भी हमारा ही खुद का ही है ऊपर। कैन तो पीने का है, अगर बाथरूम में पानी खत्म हो जाए तो? तो अभी कुछ देर पहले आपकी बहन ने क्या किया था? ब्रश किया। कैसे किया? ब्रश किया, नल खुला छोड़ दिया। हाँ, और शॉवर खुला छोड़ दिया। नहीं दीदी बंद करती थी, दीदी हमेशा झूठ बोलती है। ब्रश कौन कर रहा था? मैं। तो पानी किसको बंद करना चाहिए था? मुझे। क्यों नहीं किया? मैं तो बंद करती हूँ। कब से? दीदी एक बार ऐसा होगा कि बिल्कुल पानी खत्म हो जाए। इधर देखो, इधर देखो। दीदी गंदी है। जिन्नी आप क्या कर रहे हो? ब्रश कर रहे हो? हाँ। आपने नल क्यों खोला हुआ है? मम्मी खाने देना, थोड़े देना। मैं बंद कर दूंगी खोल करके। नहीं बंद करो ना। नहीं बंद करो। मम्मी खाना दो। क्यों? इधर देखो मेरे को। क्यों?
इधर देखो, हाँ पानी की वेस्टेज नहीं करोगे नहीं। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? हाँ धीरे चलाओ, कम 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 चलाओ नल। नल धीरे धीरे चलाओ। अरे अरे कहाँ गए? कहाँ जा रहे हो? जरा देखें देखें जरा मेरे घर की हालत। सिखाना पड़ेगा बच्चों को। आपने नल बंद क्यों क्यों नहीं किया? आपने नल बंद क्यों नहीं किया? इधर देखो, तो इधर रहने था, रहने दो उसको, तो इधर रहने था। क्यों नल बंद क्यों नहीं किया? नहीं देता उसको पूरा। हमारे पास क्या बहुत ज्यादा पानी आ रहा है? आपको बोला है ना पानी को वेस्ट नहीं करना है। हाँ, फिर सुना क्यों नहीं? और पानी खत्म हो गया एक दिन तो क्या करोगे? पानी नहीं आता था। हाँ प्याज लग रही थी, अगर तो मेरी बस लाल प्याज हो गई तो फिर मैं मर जाऊंगी। पानी खत्म हो गया तो क्या करोगे? मुझे प्याज लगेगी। पानी की वेस्ट नहीं करते ना। हाँ रिया आप नहाने जाओ। मैंने रिया को बोला नहाने जाने के लिए और मैं दिखाती हूँ रिया बाथरूम में एक्चुअल में कर क्या रही होगी, कितना पानी की वेस्टेज हो रहा होगा मेरे घर में। मैं भी आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। रिया ये क्या हो रहा है? ये शावर भी कर रहा है। मम्मा आ रहा है, दो मिनट रुक जाना। बाकी भरी तो रिया में जा ही तो रही हूँ। रिया कितनी पानी की वेस्टेज है। बंद करो ये शावर, बंद करो ये। कितना वेस्टेज पानी करो, नहाने जाओ। या तो बकेट से नहाओ या शॉवर से नहाओ। शॉवर से नहीं बकेट से नहाया करो। बच्चों को कितना भी सिखा लो समझ नहीं है। मुझे कोई प्लान करना पड़ेगा। मैं ऊपर जाऊंगी और नल बंद करूंगी और फिर देखते हैं क्या होगा। वैसे तो ऐसा काम करना नहीं चाहिए पर बच्चों को पता भी नहीं है कि पानी अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि उनको पूरी 24/7 आवर्स उनको पानी मिलता है। बहुत वेस्टेज होता है। आप कितना भी उनको मोरल स्टोरी समझा लो, कितना भी उनको वीडियो दिखा लो, कितना भी सब करवा लो, लेकिन पानी की वैल्यू करना बहुत मुश्किल है। पानी बहुत वेस्ट होता है और हर बार डांटना भी अच्छा नहीं है। तो सोचा कुछ टाइम के लिए उनको ये सबक सिखाया जाए। तो मैं पानी की नॉब को पानी को कर देती हूँ बंद। देखते हैं घर में क्या होता है। इस तरफ ये हो गया बंद और देखते हैं, चलती हूँ घर पे कि बच्चों का क्या रिएक्शन है, पानी है कि नहीं घर में और उनका क्या बोलना है इस बारे में। लेट्स गो। मैं अभी भी ऊपर से आई हूँ। मैंने पाइपलाइन का नल बंद कर दिया है और वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। उन्हें लगता है 24 घंटे हमारे यहाँ पानी आता है, पानी की कोई कमी नहीं है। तो जस्ट उनको दिखाने के लिए अगर पानी ना आए तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। जरा देखती हूँ मैं थोड़ी देर और रिया को बोलती हूँ कि रिया जरा कुछ काम करना पानी से। तो पहले बड़ी बेटी का रिएक्शन देखूंगी फिर छोटी बेटी का रिएक्शन देखूंगी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। रिया आपने हैंड वॉश किए जब से? हाँ कर ली। अभी आपने प्लांट को पानी दिया था, आपने हैंड वॉश किए? मड भी आ गया था। मड भी आ गया था ना, हैंड वॉश करना जरा जाओ। हैंड वॉश करके आओ। क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा है? पहले रिमोट को हटाओ। मैं जब मांगूंगी तब दे देना, वरना देख लेना मैं क्या करूंगी। अच्छा वो नहीं ले रहे रिमोट को आपके? चल क्यों नहीं रहा ये? क्या चल क्यों नहीं रहा? पानी नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आएगा, है तो सही पानी। अब
अभी नीचे से सोसाइटी का फोन आया था कि अब हमारे घर में पानी नहीं आएगा 4-5 दिन तक, क्योंकि पानी की बहुत वेस्टेज होती है, तो पानी कंजर्व करना है, तो सिर्फ एक बकेट पूरे दिन भर काम चलाना है। मेरे ख्याल से बकेट तो खत्म हो गया, पानी नहीं है पूरे दिन भर। क्या हाथ तो धो, कैसे धोऊं अब, रिवर में जाके धो क्या, फ्रिज के पानी से धो दो, फिर पियेंगे क्या, पीने का पानी। वैल्यू समझ में आ रही है, अगर वो पानी बचाया होता तो, इधर देखो पानी बचाया होता तो, क्या वैल्यू समझ में आ रही है, अगर मैंने पानी बचाया होता तो अभी तक तो मैं हाथ भी धो के टीवी भी देख रही होती। और मान लो पानी खत्म हो जाए हमारे सब जगह से, फिर क्या होगा, फिर हम सफर करेंगे, हमारे घर पे ड्राउट हो जाएगी, फिर आगे से मैं वेस्ट नहीं करूंगी। हाँ आगे से वेस्ट नहीं करूंगी। नहाते समय आप क्या करते हो, शॉवर चलता रहता है पूरे दिन भर। हाँ ओके अब मैं नहीं करूंगी वेस्ट। देखते हैं जिन्नी से बात करते हैं जरा। मैं जिन्नी आपने कितनी देर से पानी नहीं पिया, जाओ पानी पानी पियो, थोड़ी थोड़ी देर में पानी, गर्मी पड़ रही है ना, हाँ। तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए है ना, हाँ। आपको भी पीना है क्या, हाँ मुझे मेरे लिए भी लेकर आओ, जाओ ठीक है। अरे मामा दो बोतल है, मतलब तीन बोतल है तो खाली पड़ी हुई है, कहाँ है खाली, खाली है तू देखो, पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, इधर आओ, पानी हाँ मुझे ही नहीं पता, ये भी नहीं चल रहा, पानी कैसे पियोगे आप, पानी अब मुझे नहीं पता, इधर देखो आपने पानी का वेस्टेज किया था ना बाथरूम में, हाँ। उससे पानी फिनिश हो गया सारा, इधर देखो आप कैसे पियोगे पानी, इसमें तो बिल्कुल पानी नहीं है, बस कड़ कड़ खा सकते हो, कड़ खा सकते हो पानी की चक्कर खाओगे, फिर आपने पानी क्यों वेस्ट किया, आपको पता है मेरे पास पुलिस का फोन आया था, सुनो मेरे पास पुलिस का फोन आया था, हाँ। पुलिस ने बोला था कि जो बच्चे पानी का बहुत वेस्टेज करते हैं ना उनके घर में पानी नहीं आएगा, अब हम क्या पियेंगे, पानी नहीं पी पाएंगे अब हम, हाँ जी आप पानी कैसे लाए, तो बर्ड्स को क्या पानी पिलाएंगे, क्या करेंगे, इतनी छोटी सी गलती पर इतना बड़ा रिजल्ट हो गया ना, अब प्रॉमिस करो कि पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे, मम्मा प्रॉमिस ये ना सेंचुरीज तक रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस सेंचुरीज तक प्रॉमिस रहेगा कि पानी का वेस्ट नहीं करना, पानी का मुझे प्रॉमिस करो कि पानी वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है वेस्ट करोगे तो क्या होगा, पानी नहीं आएगा, अब आज तो पानी आने से रहा, कल तक का वेट करना पड़ेगा हमें, और इधर आओ, इधर आके बोलो सारे फ्रेंड्स को, गाइस हमें तो मिल चुका है सबक, इसीलिए हमें, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी पानी अभी तक रहे तो फिर आपको पानी वेस्ट नहीं करना, नल हमेशा बंद कर लेना, हाँ और पानी फैलाना नहीं, क्योंकि पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हाँ हमें को अगर तो प्यास लगती है तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट होता है पानी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना हमें को, इसीलिए केवल मिक्स वाटर और नॉर्मल वाटर केवल, हाँ और पानी वेस्ट नहीं करना, सबसे बड़ी बात ब्रश हाँ। करते समय बिल्कुल नहीं, नहाते समय नहीं, और पानी कभी करना ही नहीं है, पॉइंट्स क्यों बता रहे हो, अब देखते हैं मैं अभी फोन करती हूँ, शायद हो सकता है कल परसों या 3-4 दिन हमारे पास पानी आ जाए, और सारे दोस्तों को बोलो, और बोलो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उनको बोलो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जरूर लिखकर बताना, बाय, और पास की मत भूलना, बाय बाय, वीडियो में बाय।